कहाँ पंडित जी बरसात में भीगने अंदर बैठ गए ना। भगवान कौनो बेवकूफी पे खुश नहीं होता है। राम राम कछुआ चाचा। अरे राम राम सरजू, कहाँ जा रहे हो बच्चा बुतरू को लेकर? बबलू को नोक वाले जूते लेने जा रहे हैं। ओह नोक वाला जूता, वाह वाह खरीदते हैं। कुछ लोग नोक वाला जूता भी खरीदते हैं। लेकिन कछुआ चाचा, हमने तो कभी जूता नहीं खरीदेंगे। कुछ लोग कभी कभी जूता नहीं भी खरीदते हैं। चुरा लेते हैं। हैं? हमारा मतलब था हम चप्पल खरीदते हैंगे। कहो जमीर, कहाँ जा रहे हो सबरे सबरे? बिजली वाला पंखा खरीदने जा रहे हैं चाचा। और बिजली? अरे जल्दी करो। आ रहा हूँ भाग्यमान, आ रहा हूँ। कहाँ सुतीलाल, सवेरे तुम्हारे कहाँ जा रहे हो? चाचा, बीबी को बॉर्डर वाली साड़ी खरीदवानी है। किसकी बीबी को? अपनी बीबी को, और किसको? खरीदवाते हैं कुछ लोग अपनी बीवी को भी साड़ी खरीदवाते हैं। ये पसंद नहीं आई, रख लो। वो हमें वो दिखाओ, वो क्या होती है, वो जो होती है क्या, वो सभी यही तो है। हाथ रख के बोलिए ना, कौन सी चाहिए आपको? ओ, ये हरी वाली। जे बोलो ना। आ, नहीं, 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 वो नहीं, वो हल्की हरी है, वो हरी नहीं। मासी रंग अच्छा नहीं है, कहाँ ले रही हो? वो देखा मासी, जरा देखो कहाँ सो है, कलाकारी है, अरे चूड़ी का कलाकारी नहीं, चूड़ी की मजबूती देखना चाहिए। कछुआ, चूड़ी पहनते हो का? अरे चूड़ियाँ तो पिताजी पहनते थे। ये अरे हाँ भाई, जब वो रामलीला में शूर्पणखा बनते थे, क्या चूड़ियाँ थी उनकी। हाँ, उनकी चूड़ियों के डिजाइन का तो फैशन चल पड़ा था। औरतें जाके कहती थी, भैया शूर्पणखा वाली चूड़ियाँ देना। शूर्पणखाई चूड़ी? हाँ हाँ, पिताजी के जमाने की हैं वो चूड़ियाँ। अरे इन चूड़ियों में तो कोई कला ही नहीं। अरे पहले चीज का आत्मा देखना चाहिए, उसके बाद उसकी कला देखनी चाहिए। ए कछुआ चाचा, चूड़िया कोई भूत प्रेत है का क्या आत्मा देखे? ए भैया, दांत का दिखा रहे हो, कितने का दिया? 50 रुपए हुए। 50 रुपया है तो ज्यादा है। चलो 40 दे दो। ये भी बहुत बहुत ज्यादा है, ना ही देंगे। चलो 35 रुपए से 5 पैसे कम नहीं होंगे बहन जी। बहन जी, पिछले रक्षा बंधन कहाँ थे भैया? अरे क्या, अरे क्या हुआ भैया, बहुत गलत बात है। पिछले रक्षा बंधन में हम इंतजार कर रहे थे कि भैया कब आएगा और कब राखी का बंधन हम निभाएंगे। हाँ ए भैया, इन चूड़ियों का हम 14 रुपए देंगे। बाकी 21 रुपए समझ लेना, अपनी बहना को दे दिया रक्षा बंधन के लिए। ये लो, सिर्फ 14 रुपए। ऐसा करो आप मुफ्त में रख लीजिए। बोल रहा था, भाग गया। एक अच्छा चाचा, इसे कहते हैं कलाकारी। 50 का माल 14 रुपए में खरीद लिए, बोलो जय बात। चलो पहन के देखते हैं। जिसको देखो वही खरीदारी कर रहा है। हमको लगता है कि आदमी को ग्राहक बनने का श्राप लग गया। जब से पैदा हुआ है ना, खरीद ही रहा है। ये दिखावटी कला आदमी को अपनी तरफ खींच रहा। अरे कला तो पिताजी को खींचती थी अपनी तरफ। अच्छा, हमारे यहाँ बर्तन मांजती थी। कौन? कला, क्या कलाकारियां थी उसकी। अरे दीदी, कला का क्या है, कला बिना जीवन नहीं। और तुम मिट्टी में खेलने वालों क्या जानो। मिट्टी में जो कला है और कहीं नहीं है। अरे भाई क्या रखा है इन मटकों में? आजकल प्लास्टिक के सुंदर, सस्ते और टिकाऊ मटके आते हैं। क्या डिजाइन होती है,
उसमें मिट्टी का खुशबू नहीं होता है, समझे? सिर्फ शोबाजी है। अरे शोबाजी का ही जमाना है, वो देखो, वो इसे कहते हैं बाल। खोपड़ी में भूसा भरा हो तो बाल का लेकर क्या करोगे हो? खोपड़ी देखो, बाल नहीं। बाल तो पिताजी देखा करते थे। अरे आप चुप ही रहिए। इसे देखो, इसकी शर्ट देखो, शर्ट की कला देखो। एक नंबर का चोर है। कपड़ा मत देखिए, आदमी देखिए। चलिए उठिए यहाँ से। अंगूर खट्टे हैं और हम उल्लू के पट्टे हैं। होते हैं, कुछ कुछ लोग उल्लू के पट्टे भी होते हैं। आप भी? अब कुछ कुछ लोग उल्लू के पट्टे नहीं भी होते हैं। मामा अपना छाता तो खोल लो। अरे भाई गीला हो जाएगा। चली जा। कैसे लग रहे हैं? बड़े जोर से लग रहे हैं भाई। बड़े बाजार से छांट कर लाए थे ये डिजाइन, और तुमने सिली भी अच्छी है। कहा मामा, नई बुशर्ट? अरे मुकुंदी बाबू कब आए कानपुर से? बस आज सुबह ही आए हैं। भाई हमारे लिए क्या लाए हो? गंगा जल। गंगा जल? हाँ, अंतिम समय में मुंह में डालने का काम आता है। ओहो मुकुंदी बाबू, सुबह सुबह शुभ शुभ बोलो भाई, आपकी उम्र ही क्या है? है? अच्छा ये बताइए कि वो शर्ट कैसी लग रही है? एकदम सलमान खान लग रहे गुरु। अच्छा वो शर्ट पहन के सलमान खान लग रहे हैं? अरे हम तो वो शर्ट उतार के सलमान खान लगते हैं। भाई खैर, ये सारी कलाकारी एलिजा की है। अच्छा है। कलर कैसे हैं? अच्छा है। अरे हमारे नहीं, अपने। हा? भाई देखो कितने पुराने कॉलर हैं। अरे लेकिन शर्ट तो नहीं है। अरे लेकिन आउटडेटेड हो गए हैं ये कॉलर। अब शर्ट नहीं है तो फिर क्या करें शर्ट का? अरे एक काम करो, ट्रंक में बंद करके रख दो। 5-10 साल के बाद जब इन कॉलर का फैशन वापस आएगा तब पहन लेना। चलते हैं भाई। पैसे? भाई दोस्ती में उधार नहीं देते। नहीं देते हैंगे। लेकिन हम लेते हैंगे। हाँ दुनिया में हर चीज आउटडेट होती हैंगी, लेकिन उधार मांगना आउटडेट क्यों नहीं होता हैंगा? भाई सुतीलाल, भाई जलेबी खिलाओ। और सुनो, सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी छोटी छोटी जलेबी बनाना। मामा जलेबी छोटी हो या बड़ी हो, स्वाद एक जैसी देगी ना। अरे भाई बात स्वाद की नहीं है, सूरत की है। भाई छोटी छोटी प्यारी प्यारी जलेबी हो तो खाने का मन करता है। मामा मान लो अगर पान का पत्ता गोल होता तो क्या मजा ना देता? और मान लो गधे के सिर पर सींग होते तो क्या ढेचू ढेचू ना करता? करता। अरे तो भाई बात डिजाइन की है, कला की है। अरे लाओ भाई लाओ। भाई वाह। अरे मामा का गा रहे हो? भाई दर्द भरा गाना गा रहे हैं। अच्छा इसमें दर्द कहाँ है? भाई दर्द है डिस्को में दर्द है। अरे गाने में दर्द नहीं होता है मामा, आवाज में दर्द होता है। बोल सजावट होते हैं और स्वर उसकी आत्मा। अच्छा भाई बिना दर्द के दर्द है डिस्को हिट कैसे हो गया? पता नहीं, नहीं पता नहीं, पता, नहीं मौका दो में बोलने का। मामा गाने नहीं आता हमको। सुनो, सुहानी शाम ढल चुकी है, ना जाने तुम कब आओगे। इसमें दर्द नहीं है। हाँ। लेकिन मामा इसमें दर्द है। भाई इसमें तो गाने वाले के पेट में दर्द लगता है। भाई गाने में दर्द कहाँ है? भाई दर्द जो है शब्दों में होता है। अच्छा हाँ तो आओ। कहाँ आओ? आओ। अरे अरे चलो 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 आओ चलो। ओ भाई चले भी अगर जाएंगे। अरे आज तो तुम गिरो। अरे बेटा आज आज आओ बेटा, इधर आओ सुनिए इधर आओ। बेटा एक दर्द भरा गाना सुनाओ। या? अरे ये दर्द भरा गाना कैसे गाएगी भाई, ये तो बोल भी नहीं सकती। बेटा गाना गाओ। आ, ए सुरीली गाना समझाओ।
हाँ गा लो बेटा, सब कह रहे हैं तो गा लो। आए आ कोई भी गाना गा बेटा, कोई गाना दर्द भरा हो। हाँ सोचो, कोई बात नहीं। आवाज में दर्द का असर। वो देखो मामा, वो देखो जिसके लिए गाया वो खींचा चला आया। अरे भाई लापतागंज के प्यारों और प्यारियों, कभी ना छोड़ने वाली बीमारियों, देखो हम तुम लोगों के लिए क्या सिटी से गिफ्ट लेके आए हैं। अरे भाई आ जाओ आ जाओ। अरे हमरे लिए काला है भैया। सुत्ती लाल, सन ऑफ पुत्ती लाल, भैया तुम्हारे लिए ये प्लास्टिक वाले दूध के डब्बे लाए हैं। अरे आजकल यही डिजाइन चलता है। हमरे लिए काला है अभिजी हैं। पापा कसम मौसी, आप जिस झाड़ू से हमको मारती थी वो झाड़ू टूट जाती थी, तो हमने सोचा कि आपके लिए प्लास्टिक की झाड़ू लेके आए कि आप इससे झाड़ू लगाएं और ये कभी ना टूटे, और इसका झाड़ू लगाने के बाद आपका नाम झाड़ू बाज बन जाए। क्या बकलोली कर रहा है? तो सही बकलोली कर रहे हैं। बीजी हम जो सामान बोले थे वो लाएगा। आंटी आपका सामान कैसे भूल सकते हैं? थप्पड़ मारेंगे। सॉरी भाभी, आपके लिए ये ट्यूब वाला फेस पैक लाए हैं। लाल ट्यूब हमको बहुत बहुत पसंद है, बहुत सुंदर है ना। अरे अंदर तो देख लो का है। बाहर से दिखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, तो अंदर से भी अच्छा ही होगा ना। कछुआ चाचा कहाँ है? अरे से भी आया। अरे सुरीली, हम तुम्हारे लिए ये लाल दुपट्टा लेके आए हैं, ओढ़ के दिखाओ। ओ लाल दुपट्टा मल मल का, ताली बजाओ बे। लाल दुपट्टा, अरे अरे बहुत सही बहुत सही, ऐसा ही नहीं। पापा के साथ बहुत मतलब ही है आप। बीजी भैया हमारा कत्था लाए। अबे यार तुम सबके लिए लेके आए, लो आपस बांट लो। लो भाई लो 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 बांटो बांटो लो लो सब आपस बांट लो गुरु। कछुआ चाचा, हाँ बेटा, ये देखिए आपके लिए चप्पल लेके आए, इसको पहनिए और उड़िए। हमारे लिए क्या लाए हो बिजी पांडे? अबे तुम्हारे लिए तो पिताजी लाते थे, इसीलिए हम कुछ नहीं लेके आए। चल बे गुड्डू। चले भैया। कभी कभी लोग किसी के लिए कुछ नहीं भी लाते। मामा तुम्हारी लग गई। लगती तो पिताजी की थी। सुनते, कभी कभी लोग किसी के लिए एक्स्ट्रा लेके आते हैं। लो हवा में उड़ो। ये लो नए डिजाइन के डिब्बे का दूध लाओ। इसमें तो यार अजीब महक आ रही है। क्या ये प्लास्टिक की महक है? कुछ नहीं होगा, पी लो पी लो पी लो। अरे ऐसे कैसे पी ले सुत्ती लाल, दूध का स्वाद बिगड़ गया। बिगड़ जाता है, कभी कभी दूध का स्वाद बिगड़ भी जाता है। बेटा सीख वाला झाड़ू ला। माया जुर जुर बाबा। हाँ बस दिखने में अच्छा है, कुछ काम का नहीं है। जाओ सीख वाले झाड़ू में जो बात है वो इसमें ना है। हेलो, हाँ ये रख दे, बिजली लाया है उसे भगाने के काम आएगा।
भी जुर जुर। देखो देखो जर 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 काम खत्म। टी बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ लेकिन उसके अंदर का था पता नहीं था ना। देखो देखो अपना चेहरा एकदम चमकादार की तरह हो गया। बिच्ची वो झाड़ू लाया था वो भी सही नहीं था। हाँ प्लास्टिक के डब्बे में हमारा दूध भी बदबू मार गया। हाँ बदबू तो पिताजी मारते थे। अरे मामा तुम्हारी बुशर्ट को क्या हो गएंगे? छोटू अगर कपड़ा देख के लिया होता तो ये रंग नहीं जाता ना। कला का विस्तार हो गया है जरा सा। होता है ऐसे ही कला का विस्तार होता है आजकल। इंदु बेटा इससे अच्छा तो मुल्तानी मिट्टी है वो लगाती वो ज्यादा ठंडक देती। सही कह रहे हो कछो चाचा हम ना रंग में भंग हो गए थे। अच्छा अरे मिट्टी में है क्या? चुप कर। मिट्टी है क्योंकि हम सब मिट्टी हैं। मिट्टी में जुड़े रहने में ही जीवन है। चाहे कितना भी अच्छा रंग हो रूप हो अगर उसमें आत्मा नहीं है तो वो कला नहीं है। तो तुम्हारे इन सारे के सारे मटकों में आत्मा भरी हुई है? हाँ अरे दुनिया चांद पर पहुंच गई और तुम अपने मटकों के साथ मिट्टी में ही अटके हो। और चांद से क्या लाए हो? मिट्टी। छोटू इंसान चाहे कितना भी ऊपर चला जाए लौट के वो माटी में ही आता है। इसलिए कबीर कहते हैं माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोहे। एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तुझे। छोटू मिट्टी के बिना जीवन चलता नहीं है। लेकिन आजकल चलता है। तो तुम चला के दिखाओ। क्या दो दिन बिना मिट्टी के रह के दिखाओ? अरे दो दिन तो पिताजी रहते थे हम पूरी जिंदगी रह सकते हैं। ना मिट्टी का खाओगे मंजूर है ना मिट्टी का पियोगे मंजूर है ना ही मिट्टी का कुछ लोगे मंजूर है और ना मिट्टी में सोओगे मंजूर है। ए मामा सोच लो। सोच लिया। ए छोटू ए छोटू ए छोटू अरे सुनो तो कौन कह दिया हो कुछ ये तो पगला गया है किसका हुआ रहता है हवा में उड़ रहा है। फिकर मत करो मिश्री एक दिन में ही जमीन पे आ जाएगा। हाँ?